हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मेरा फिर इंटरव्यू है, एक वॉकिंग इंटरव्यू है जो अभी तक बात नहीं हुई है, बट फिर भी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने। और देखिए जाने के बाद क्या होता है वहाँ पे, इंटरव्यू कब तक कंप्लीट होता है या होता है या नहीं होता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखते रहे कि वो स्टार ब्लॉग। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी जॉब के लिए जा रहे हैं और हम लोग जॉब ढूंढने जा रहे हैं। और ये पूरा आईटी सेक्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। और आगे जा रहे हैं, ये पूरा हाईटेक सिटी अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। साइबर टावर है जो हाईटेक सिटी का सबसे, मतलब सबसे नहीं, बहुत फेमस है ये भी और काफ़ी बड़ी है और इसमें बहुत सारी कंपनीज है। और ये जुबली इनक्लेव है, मेरा सबसे पहले फर्स्ट इंटरव्यू मेरा इधर हुआ था, आईबीएस आईटी कंपनी बोल के थी आगे जाके, जो 2021 में हुआ था। वहाँ पे जो दिख रही है आईएस दिख रही होगी कि नहीं, वो आईबीएस आईटी उसी कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था जो नहीं हुआ था। और इधर सिर्फ आईटी कंपनी है, बस हम लोगों की जॉब नहीं है भाई। ये वेस्टर्न पॉल भी है, ब्रोड ब्रीज है, गूगल है और बहुत सारी इधर कंपनी अभी बन भी रही है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है यहीं पे मेरा इंटरव्यू होने वाला है और जिस कंपनी में होने वाला है उसका नाम है न्यूजिन AI, जो एक स्टार्टअप कंपनी है। यहाँ पे सभी लोग अपना अपना एंट्री कर रहे हैं। ये पूरा एंट्री हो गया और अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम सभी लोग एक हॉल में जाके इकट्ठा हो गए। इस वक्त हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं। लगभग अभी टाइम हो गया है 11:41 और देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जितने, क्योंकि वो लोग बोला है ना अभी हम लोग सबका रिज्यूम लेके गया और बोला है कि जिसका जितना रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होगा उसका इंटरव्यू होगा, बाकी का नेक्स्ट टाइम अगर कोई वैकेंसी हायरिंग होगी उसके बाद वो लोग देगा। देखते हैं मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है या नहीं होता है। फिर इंटरव्यू दो और रिजेक्ट हो गया तो अच्छा लगता है। हालांकि रिज्यूम रिजेक्ट होना पहली बार नहीं देखा। थोड़ी देर में मैं भी रिजेक्ट होने आया, देख ही रहे। ये लोग सिर्फ फ्रेशर वाले को ले रहे हैं, जिसका भी प्लस वन ईयर एक्सपीरियंस है उसका रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जिसमें मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं भी रिजेक्ट हो ही जाऊंगा। ऐसा ऑफर लेटर बांट देते कितने कमरे में, तो ऑफर लेटर ले जिम्मर भाई तो देखो अगर ऐसे ऑफर लेटर देते तो कितना अच्छा रहता है, बट ये रिजेक्शन रिज्यूम रिजेक्शन वो भी लाइव। भाई कैसा लग रहा है आपको रिज्यूम रिजेक्शन पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था और मेरा एक दोस्त था उसका एक्सेप्ट हो गया था रिज्यूम। तो फिर हम लोग 1 घंटा वेट किए और उसके बाद से वो लोग क्या किया था कि 1 घंटा वेट करने के बाद वो फिर आया नीचे और बोल रहा है कि आप लोगों का अभी टाइम नहीं है, तो आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा ना ऑनलाइन होगा और शाम तक लिंक चला जाएगा, जिसके बाद से आप लोगों का भी इंटरव्यू रात में या नेक्स्ट डे हो जाएगा। बट फिर हम लोग रात को वेट किए और रात को वेट किए तो आया नहीं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है, वो पता नहीं कैसे शेड्यूल किया था इंटरव्यू भी ठीक से नहीं हो पाया और किसी का पता नहीं सेलेक्ट किया कि नहीं किया, कोई रेफरेंस लगा दिया होगा तो उन लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए थे। और वहाँ पे एक चीज़ बहुत इतनी बेकार लगी थी ना कि वहाँ पे पार्किंग का 250 रुपये था कार का और 70 रुपये पार्किंग था स्कूटी का बाइक का, पता नहीं क्यों। ये वीवर्क क्या था, ये वीवर्क भी चार्ज था या क्या था कुछ पता नहीं है। उसके बाद से आया, उसके बाद से मैंने दाढ़ी बनाया फिर खाना वाना खा के सो गया। तो आज के ब्लॉग बस इतना ही हो गया और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और देखते रहिए क्यों स्टार ब्लॉग।